बता देते हैं, कल हमने यूनिमॉलिक्यूलर सरफेस रिएक्शन करे थे, कोई आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना है ना। कल हमने क्या किया था, यूनिमॉलिक्यूलर सरफेस रिएक्शन करे थे। यूनिमॉलिक्यूलर सरफेस में वो क्या कहता है, बाई मोलिकुलर सरफेस रिएक्शन। अब बाई मोलिकुलर सरफेस रिएक्शन में वो ये कहता है कि भाई ये जो आपका लैंगमेयर हेंजेलवुड मैकेनिज्म है, अब ये कहता है कि इसमें दो मॉलिक्यूल हैं जो कि एब्जॉर्ब हो रहे थे नेबरिंग साइड पे, ठीक है। यानी एक हो गया आपका ए और एक हो गया आपका बी, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ये क्या कहता है कि दिस मैकेनिज्म को इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अभी एस क्या था, एस हमारा नॉर्मल सबस्ट्रेट था, ठीक है। ए ने जब एस के साथ में बॉन्डिंग बनाई तो उसने क्या किया था, ए एस बनाया था, जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में वो कर भी रहा था। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका कांस्टेंट क्या है, के वन। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, के इनवर्स वन। यानी ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन भी रहा है और ये बिगड़ भी रहा है, ठीक है। यानी इसकी कंसेंट्रेशन लास्ट में जाके क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब बी एस था, बी दूसरा मॉलिक्यूल था जिसने सब्स्ट्रेट एस के साथ में क्या किया, बॉन्डिंग करी और कंपाउंड बना लिया बी एस। इसका कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में के टू हो गया, तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, के इनवर्स टू, ठीक है। अब हम आते हैं कि जब ये इसकी बात कर ही रहा है तो अभी लास्ट में क्या करेगा कि भाई दोनों जब मॉलिक्यूल बन गए तो इसकी कंसेंट्रेशन भी रेट, इसकी जो रेट थी बनने और डिकम्पोज होने की, वो फाइनल क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इसकी भी रेट, क्योंकि ये भी बन और बिगड़ेगा तो इसकी भी रेट क्या हो जाएगी, ज़ीरो। क्योंकि ये हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ आपका सब्सट्रेट के साथ में उस मॉलिक्यूल की बाइंडिंग है, ठीक है। तो अब आपका जब सब्सट्रेट है या जो आपका सरफेस है, जब वो वापस निकल लेगा और प्रोडक्ट बना लेगा, तो हम तो प्रोडक्ट एक्सक्लूड कर लेंगे। हम ऐसा तो नहीं करते ना कि हमने कैटलिस्ट को भी साथ में लेकर ही उसको प्रोडक्ट बनाते हैं। कैटलिस्ट सिर्फ आपका एक काम कर रहा है, एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कैटलिस्ट ही है जो कि ये सरफेस आपको प्रोवाइड कर रहा है रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। फिर ये क्या कहता है कि ए एस और बी एस ने मिल के क्या किया, सब्सट्रेट को तो फ्री कर दिया और इसने ए बी टाइप का कोई प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हाइड्रोजन की रिएक्शन थी, क्लोरीन की रिएक्शन थी, दोनों को एक बेस चाहिए था, दोनों एक बार सब्सट्रेट के ऊपर आ गए और दोनों ने मिल के क्या किया, 2HCl बना लिया, ठीक है। अब रिएक्शन के बाद अब हम आते हैं कि भाई एस जो था, जब उसने प्रोडक्ट बना लिया तो अब एस क्या हो गई, ये खाली साइड वापस से मिल गई हमको, हमें इसकी ज़रूरत थी, ठीक है। हमें ऐसा तो नहीं था कि हम सॉलिड को ही सीधा या सब्सट्रेट को ही हम यूज़ कर रहे हैं, वो तो हमें एक बेस ही तो चाहिए। तो ये एस जो है वो वापस से क्या हो जाएगी, वेकेंट साइड आपको वापस मिल जाएगी। तो ये रिएक्शन हमने यूनिमोलिक्यूलर में कैसे किया था कि ए प्लस एस ए एस बना रहा है, ए एस ने क्या किया, प्रोडक्ट बना लिया और सब्सट्रेट वापस दे दिया, ठीक है। अभी क्या कहता है, द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब भाई रेट ऑफ द रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती है। और क्योंकि प्रोडक्ट इसमें बन रहा है, इस वाली रेट में यानी के थ्री वाले में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, के थ्री पहला रिएक्टेंट है ए एस, दूसरा रिएक्टेंट है बी एस। हमने क्या किया, सिंपल स्टोइकोमेट्री लॉ हमने लगा दिया। तो अब आपके पास ए एस क्या थी, ए एस थी फ्रैक्शन ऑफ द साइट ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ए, बी एस क्या थी फ्रैक्शन ऑफ द साइट यानी थीटा ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल बी। तो के थ्री थीटा ए थीटा बी, यहाँ तक समझ आया भाई। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो वो ये कहता है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो अब रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी किस पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट पे ही तो डिपेंड करेगी। तो रेट जो होगी वो आपकी प्रोडक्ट पे कैसा होगी, वो आपकी रिएक्टेंट्स पे तो डिपेंड करेगी। आप क्या करते हो, आप यही करते हो ना, ए और बी ने मिलके बनाया कोई प्रोडक्ट बना लिया, तो आप इसकी रेट कैसे बताते हो, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, टू द कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट हटाते हो और के लगा देते हो, तो अब ये कॉन्स्टेंट कौन सा आएगा, ये कॉन्स्टेंट आ गया आपका के थ्री। रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं कौन कौन से हैं, ए एस और बी एस, ठीक है यहाँ तक। अब जब इन दोनों ने आपस में प्रोडक्ट बनाया तो ए एस क्या थी, ए एस वो जगह थी जहाँ पे सरफेस के साथ में ए ने आके अपनी जगह ऑक्यूपाई कर ली। यानी थीटा हम मान के चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू लैंगमेयर इक्वेशन, तो थीटा क्या है, इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द साइट ऑक्यूपाइड। किसने ऑक्यूपाई करी,
ए ने ऑक्यूपाई करी तो ए एस को मैंने क्या लिख दिया, थीटा ए। ये ए एस क्या हो गया, थीटा ए। ठीक है, फिर बी एस क्या है, बी एस यानी फ्रैक्शन ऑफ द साइड्स ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल बी ऑन द सरफेस एस। तो फ्रैक्शन ऑफ द साइड क्या था, थीटा था। किसने ऑक्यूपाई करी, बी ने ऑक्यूपाई करी, तो मैंने लिख दिया थीटा बी। यहाँ तक समझ आया। अब ये क्या कहता है कि भाई मेरे पास क्या चीज़ कांस्टेंट हो रही थी। मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो भी आपका इंटरमीडिएट होता है वो इंटरमीडिएट हमेशा आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट बच्चों इसमें क्या है, हम कल वाली इक्वेशन को बेस बना के चल रहे हैं। इंटरमीडिएट क्या है, ए एस। दूसरा इंटरमीडिएट क्या है, बी एस। तो जब आप इसके बिहाफ पे रेट फाइंड आउट करोगे या इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करोगे तो डी ए एस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। ये बन भी रहा है, ये बिगड़ भी रहा है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में। ठीक है, तो ए एस कहाँ कहाँ मौजूद है, एक तो इस इक्वेशन में और एक इस इक्वेशन में। रेट जब हम शो करते हैं तो हम रिएक्टेंट्स के बिहाफ पे शो करेंगे, तो के वन के कारण, पहले रेट कांस्टेंट के कारण ए एस बन रहा है, तो के वन पॉजिटिव आएगा और आपका क्या आ जाएगा, ए इंटू एस। ठीक है, फिर ए एस जो है डीकम्पोज हो रहा है वापस से अपने रिएक्टेंट्स में, यानी माइनस का के इनवर्स वन ए एस। ठीक है, फिर वापस से क्या हो जाएगा, ये जो ए एस बन गया है अब ये क्या कर रहा है, अब ये प्रोडक्ट में जा रहा है। अब जब ये प्रोडक्ट में जाएगा तो मैंने इसको क्या लिया, फिर ये हो गया के थ्री। ठीक है, और ये आ गया आपका ए एस। ठीक है, पर ये प्लस का नहीं आएगा, किसका आएगा, ये आपका, ये आएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि ए एस क्या हो रहा है, इसमें डीकम्पोज हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली आपकी पहली जो रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 52, टोटल कंसंट्रेशन ए एस की विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रही, कुछ निकाल ही नहीं पाओगे। तो जब कुछ निकल ही नहीं रहा, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा कि कब बना कब ख़त्म हो गया, तो टोटल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम बी एस के लिए भी यही चीज़ फॉलो करेंगे। बी एस में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। बी एस में क्या कहता है कि भाई आपकी इक्वेशन नंबर एक तो ये वाली आएगी, यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं, बी एस ये वाली आएगी और बी एस ये वाली आएगी। तो K2 के कारण BS बना, तो जैसे K1 लिखा है मैं क्या करूँगी, BS की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम K2, ठीक है, B इंटू एस। ठीक है, फिर K इनवर्स 2 में BS डीकम्पोज हो गया, तो माइनस का K इनवर्स 2, ठीक है, इंटू BS। ठीक है, फिर K3 के कारण फिर से BS डीकम्पोज होकर प्रोडक्ट बना रहा है, तो माइनस का के थ्री बी एस। अब मेन काम क्या है, मेन काम है कि आपको इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को, ये वाली और ये वाली, इन दोनों इक्वेशन को आप में ए एस और बी एस में कन्वर्ट करना है। तो कल जैसे हमने किया था हम वही काम करेंगे। हमने क्या लिया, मैं इधर से इधर ही कर रही हूँ बच्चे, थोड़ा सा क्योंकि मेरे पास उधर इसको थोड़ा सा यहाँ ले जा रही हूँ। पीछे वाले पेज पे, अच्छा ये तो कट होके वहाँ, मेरे को तो लगा यहाँ से हट जाएगा। चलो कोई बात नहीं, नहीं हट रहा था, ऐसे ही काम चला रहे थे। तो अब मेरे पास इस इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, जैसे कल बताया था के वन ए एस को एक जगह छोड़ दो, ठीक है, इक्वल टू ले लो, ठीक है, के इनवर्स वन ए एस, और ये भी उस तरफ चला जाएगा और ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके की आपको दिखेगी। ठीक है, ऐसे ही आपने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में भी लेना है। इस वाली इक्वेशन में आपको क्या करना है कि भाई आपके पास ये जो इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन में के टू बी एस यहीं रह जाएगा, इक्वल टू यहाँ आ जाएगा, ये के इनवर्स टू
प्लस के थ्री और बी एस आपका कॉमन में आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को जब सॉर्ट आउट करोगे तो आपके पास यहाँ से लिख रही हूँ मैं ए एस विल बी इक्वल टू के वन, ठीक है, ये आ गई ए, ये आ गई एस, और अपॉन हम कर लें तो के इनवर्स वन प्लस के थ्री आ जाएगी। हाँ या ना, समझ आ रही है बच्चों? हेलो, पर ये आखिरी की स्टेप वापस बताना मैम, जो आखिरी वाले स्टेप थे ना, ये अपन इक्वेशन को जब तक, कोई नहीं, मैं इसको वहां लेकर जाती हूँ। यस वहां ज्यादा क्लियर होगा, रुको एक मिनट। देखो ये पता नहीं कौन सा केस आ गया, मुझे भी नहीं पता। देखो बच्चों, यहाँ तक हमने क्या किया था, हमने डी ए एस की कंसंट्रेशन निकाली थी, है ना। डी ए एस की कंसंट्रेशन यानी जो हमारे पास बन भी रहा है और बिगड़ भी रहा है, जिस रिएक्शन में आपका रिवर्सिबल का होगा उसमें जो भी आपके आइटम बीच में आएगा उसकी कंसंट्रेशन रहेगी ज़ीरो, और ये जो टर्म है ये कहलाता है आपका स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। ये टर्म आपके बीच में आएगा कहीं ना कहीं। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो डी एस ए एस अपॉन डी टी है, ये पहली स्टेप में, पहली जब रिएक्शन देखोगे तो उसमें क्या हो रहा है, के वन के कारण तो ये बन रहा है, यानी ए इंटू एस, यही दोनों आपके रिएक्शन थे। फिर के इनवर्स वन के कारण ए एस वापस से बैकवर्ड चला गया और ये आपके क्या आ जाएगा, अब आपका रिएक्टेंट हो जाएगा ए एस। फिर ए एस और बी एस मिलके प्रोडक्ट बना रहे थे तो के थ्री यानी ए एस डीकम्पोज ही तो होके प्रोडक्ट बना रहे थे, जहाँ भी डीकम्पोजिशन होगा वहाँ आप साइन लगाओगे माइनस का और ये आ जाएगा ए एस विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब क्योंकि ये सब कुछ ज़ीरो ही है तो मैंने क्या किया, मैंने इसको डायरेक्टली ये देख लिया कि भाई ये के वन ए एस जो है, ठीक है, इसको मैं यहाँ ही छोड़ दूँ, और ये जो के ए इस तरफ है, ये जो पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म को उठा के मैं क्या करूँ, ज़ीरो के इस तरफ ले आऊँ, या उधर भी ज़ीरो मान लूँ तो उधर ले जाऊँ, जहाँ आपको हैबिचुअल हो वहाँ आप ज़ीरो लगा सकते हो, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, ए एस मैंने कॉमन में ले लिया और ये क्या आ जाएगा आपका के इनवर्स वन प्लस के थ्री, दोनों के नेगेटिव साइन हट गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने ए एस यहीं छोड़ दो, ठीक है, के वन ए और एस अपॉन क्या आ जाएगा के इनवर्स वन प्लस के थ्री, ये उधर उधर आएगा, थोड़ा सा उधर कर देते हैं इसको, के इनवर्स वन प्लस के थ्री, आई समझ में? यस मैम। सबको यस मैम। चलो अब ऐसी इक्वेशन हमारे पास किसके लिए भी आएगी, आपके बी एस के लिए भी इक्वेशन आएगी। तो बी एस वाली इक्वेशन है उसे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, क्योंकि आपका टर्म क्या चेंज हो रहा है, के वन की जगह के टू आ रहा है, के इनवर्स वन की जगह के इनवर्स टू आ रहा है, और ए की जगह बी आएगा, सिर्फ इतना सा ही फ़र्क आ रहा है ना। तो के टू मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने बी और एस, ठीक है, नीचे क्या लिख दूँ मैं, के इनवर्स टू प्लस के थ्री, यहाँ तक समझ आया? अब हमने क्या किया था, अब हमने रेट की बात करी थी, तो रेट क्या था, रेट वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल था, आपके एक तो था ए एस के प्रोपोर्शनल, ठीक है, और एक था आपके बी एस के प्रोपोर्शनल, और जब आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो आपने क्या किया, आपने इक्वल्स टू के थ्री कर दिया। अब ए एस की वैल्यू आपको यहाँ पता है, बी एस की वैल्यू यहाँ पता है, दोनों को क्या करोगे, इंसर्ट करोगे। बच्चों मैं तो एरो लगा के करती हूँ, पर आप जब करोगे आप इनका इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे कर देना, ठीक है। तो सपोज़ ये इक्वेशन 4 आती है, ये इक्वेशन 5 आती है, तो आप बाकायदा लिखोगे कि इंसर्ट इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है, जो भी इस वाली इक्वेशन का नंबर आया है इसके पहले लिखी थी, तो ये 3 आएगी इन इक्वेशन 3, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जब आप इस तरीके से इसको लिखोगे तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ ए एस की वैल्यू इनपुट कर रही हूँ। ए एस की वैल्यू क्या है मेरे पास, बच्चों माइक ऑफ करो जरा, किसका माइक ऑन है प्लीज़,
मंजू का है। मंजू, अब मैंने क्या किया, मैंने K3 एस एच लिख लिया है। ए एस की वैल्यू मैं यहाँ से इंसर्ट करूँगी, क्या आ जाएगा K1, ठीक है। ए इधर आ गया, एस इधर आ गया, ठीक है। अपॉन क्या कर दूँगी, के इनवर्स 1 प्लस K3, है ना। और इनटू बी एस की वैल्यू भी मैं इंसर्ट करूँगी, K2, ठीक है। बी यहाँ पर आ गया, एस यहाँ पर आ गया, अपॉन क्या कर दूँगी, के इनवर्स 2 प्लस K3। पर ये रेट यहीं नहीं रुकी थी, ये आपके किसके प्रोपोर्शनल थी, K3, ठीक है, थीटा ए और थीटा बी के इक्वल थी। यहाँ सम यहाँ तक क्लियर है बच्चों, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे ले रही हूँ। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जो हम लगा रहे हैं, ठीक है, जो इस पूरे इक्वेशन में अभी हम रेट और ये सब लगाएंगे, हमने तो हमारा लगा दिया कि भाई आर हमारे पास इतने के बराबर आएगी। तो अभी क्या कहता है कि जो एस है, एस इज द कंसनट्रेशन ऑफ द वेकेंट साइड्स ऑन द सर्फेस। यहाँ पे हमें भी पता है एस क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ वेकेंट साइड्स ऑन द सर्फेस। तो अभी क्या कर रहा है, घुमा फिरा के लेके वही आएगा, इसका भी तरीका देख लेते हैं। ये कहता है द फ्रैक्शन ऑफ द वेकेंट साइड्स थीटा वी, ठीक है, यानी जो आपकी खाली जगह हैं वो खाली जगह कितनी होगी, टोटल रूम 1 था, उसमें से थीटा ए ऑक्यूपाई हो गया, ए साइड ने ऑक्यूपाई कर लिया, थीटा बी बचे हुए बी वालों ने बी ऑक्यूपाई कर लिया, और 1 में से हमने उसको माइनस कर दिया, तो आ गया मेरे पास 1 माइनस थीटा ए प्लस थीटा बी, ठीक है। फिर क्या कहता है कि ये जो आपका कंसंट्रेशन है, टोटल कंसंट्रेशन, हालांकि ये बाद में काटता ही है, ठीक है, पर ये इसको ज़बरदस्ती मेहनत करवाता है। तो ये क्या कहता है कि सी एस इज़ द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द साइड्स ऑन द सर्फेस। तो सी एस से हमने क्या किया, हमने हमारी साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एस जो है, एस क्या थी, खाली बची हुई जगह, खाली बची हुई जगह में 1 माइनस थीटा ए प्लस थीटा बी जो कि ऑलरेडी ले रहा है, उसी में इसने क्या किया, इसी वाली इक्वेशन में इसने सी एस को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसने शॉर्ट टर्म लिख दिया, बार 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 थीटा ए थीटा बी लिख रहा है, तो सी एस थीटा बी, ठीक है। फिर कहता है कि भाई ए एस जो था, अब ए एस जो था, ये वाला ए एस जो है वो किसके बराबर है, वो ये कहता है कि भाई थीटा ए ऑक्यूपाइड साइड था ही, ठीक है, तो उसमें भी इसने क्या किया, कंसंट्रेशन टर्म मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि कल भी हमने यही डिस्कस कर रहे थे कि भाई जब हमारे पास एक जो खाली जगह होती है तो एक आएगा, फिर वो कहता है कि दूसरा कहता है कि मैं भी आऊँगा, तीसरा कहता है मैं भी आऊँगा, तो वो अपना हिसाब ये रूम पहले कैलकुलेट कर लेता है कि भाई मेरे अंदर कितने कंसंट्रेशन तक आ सकते हैं। तो कितने कंसंट्रेशन तक आ जाएंगे, कंसंट्रेशन सी एस तक आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही बी एस के लिए उसने क्या किया, सी एस इंटू थीटा बी कर दिया। जब ये दोनों तीनों चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, अब ये क्या करेगा, अब वापस से इस इक्वेशन 55 और 56 को ये यहीं पे कन्वर्ट कर रहा है, तो यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं। K1 AS, पहली इक्वेशन देखना बच्चों 52 वाली, ठीक है, K1 AS, तो S की जगह इसने क्या कर दिया, सी एस थीटा बी ले लिया, ये आ गया S की जगह, ये जो S था, इस S की जगह क्या आ गया, सी एस थीटा बी, ठीक है। फिर के इनवर्स 1 ए एस, अब ए एस क्या था मेरे पास, सी एस थीटा ए, तो ए एस की जगह इसने क्या डाल दिया, सी एस थीटा ए, ठीक है। फिर आया आपका K3 ए एस बी एस, अब ए एस क्या था, सी एस थीटा ए, बी एस क्या था, सी एस थीटा बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो सी एस स्क्वायर थीटा ए थीटा बी। टोटल कंसंट्रेशन अभी भी उसकी जीरो ही है, यानी इस इक्वेशन को 52 वाली जो इक्वेशन है ये उसको यहाँ पे कंसंट्रेशन और थीटा के टर्म में मॉडिफाई कर रहा है। यस मैम। अभी क्या कहता है कि अभी जो बी एस डी टी वाला है, ठीक है, अब इसको भी करेगा, तो एस तो यहाँ भी है, ठीक है, अब इसको रेड से कर रही हूँ बच्चों, एस यहाँ भी है, तो इसने क्या किया, एस वाला टर्म इसमें इंसर्ट कर दिया, सी एस थीटा वी डाल दिया। ए एस इसके अंदर है, इधर टर्म है, ए एस के यहाँ पे सी एस थीटा ए, और बी एस का टर्म सी एस थीटा वी कर दिया, ठीक है। बी एस अकेला भी यहाँ पर है,
तो सी एच थीटा बी, यानी सिर्फ इसने क्या किया, फ्रैक्शन ऑफ साइड्स के बिहाफ पे इसने इसको मॉडिफाई कर दिया और इनको दो इक्वेशन नंबर दे दिए, एक को दे दिया 57, एक को दे दिया 58। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि भाई ये दोनों ही टर्म तो ज़ीरो ही तो हैं, जब ज़ीरो ही हैं तो ये क्या करेगा, एक मिनट, अब जब ये दोनों ही टर्म है, अब यहाँ से करते हैं इसको, इसके अकॉर्डिंग जो ये कहता है वही कर देते हैं, लाएगा ये घुमा फिरा के वहीं पे, बस थीटा ए थीटा बी के चक्कर में फंसाता है। अब देखो ये क्या कहता है कि भाई जब इक्वेशन को इसको सॉल्व करेंगे, तो मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था ना कि के वन ए वाले को आप एक जगह रख लो और ये जो दोनों नेगेटिव टर्म हैं इनको दोनों को क्या करो, इक्वल टू करके पॉजिटिव कर दो। तो मैं एक सॉल्व करके दिखा रही हूँ, के इनवर्स वन, ठीक है, आपके पास क्या आ रहा है, सी एस थीटा ए आ रहा है, ठीक है, प्लस आपके पास क्या आ रहा है, के थ्री, ठीक है, सी एस, अभी मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ, सी एस स्क्वायर थीटा ए और थीटा बी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब इसमें इसको लेना क्या है, इसको लेना किसको कॉमन है देख लेते हैं हम, हमारे पास क्या है, के वन ए इधर छोड़ दिया मैंने, सी एस थीटा बी, ठीक है, इधर से इसने क्या किया, कौन सा टर्म कॉमन ले सकता है, सी एस थीटा ए कॉमन ले ले, इसमें तो यही मिलेगा, तो मैं भी ले लेती हूँ सी एस, ये थीटा ए मैंने कॉमन में ले लिया, बचा क्या मेरे पास, के इनवर्स वन बचा, ठीक है, प्लस का के थ्री बचा और सी एस थीटा बी बचा, ए टर्म बचेगा, ठीक है, सी एस से सी एस टर्म गया, ठीक है, क्या बचा मेरे पास, के वन ए थीटा बी, ठीक है, देख लो फिर से, के वन ए थीटा बी यहाँ तक बचा। अब ये क्या कहता है, अब ये केस यहीं पे लगा रहा है, ये कहता है कि भाई यहाँ तक तो जो मेरे पास बच रहा है उसमें ये जो के थ्री की जो वैल्यू है, ये वाला जो टर्म आ रहा है, इसको येलो से कर रही हूँ मैं, ये वाला जो के थ्री का टर्म आता है वो ये कहता है कि भाई के थ्री जो है वो बहुत 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 छोटा है, तो जब वो बहुत 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 छोटा है तो उसको क्या कहता है कि भाई इस टर्म को आप यहीं पे भूल जाओ, यानी ऐसे सोच लो कि इसकी वैल्यू तो सपोज़ 10^6 है ना, और इसकी वैल्यू सिर्फ सब कुछ मिला के केवल 1 है, क्योंकि के थ्री क्या है, बहुत फास्ट रिएक्शन है, बहुत फास्ट रिएक्शन होते ही क्या कहता है कि भाई इसके कंपेरेटिवली के थ्री जो है वो बहुत 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 छोटा हो जाता है, और बहुत छोटा होने के कारण इसका एडिशन टर्म भी इसमें क्या हो जाएगा, कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ता। तो इसने क्या कर दिया, के वन ए थीटा वी इज इक्वल्स टू, ये ले लिया थीटा ए और के इनवर्स वन, बाकी सब टर्म इसने छोड़ दिया। अब फिर ये क्या कर रहा है, अब ये इसको यहाँ पे थीटा ए छोड़ देगा, ठीक है, सिर्फ थीटा ए रह जाएगा, और फिर ये क्या कर रहा है कि यहाँ से इसको ये वाली इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, के वन ए थीटा वी, ठीक है, अपॉन आपके पास क्या बचा है, थीटा ए सॉरी के इनवर्स वन, के इनवर्स वन इज इक्वल्स टू थीटा ए, यानी आपके पास फ्रैक्शन ऑफ द साइड्स जो ए ने ऑक्यूपाई करी, ये वाली इक्वेशन कर रही हूँ मैं, थीटा ए जो है किसके बराबर आ गई, के वन ए थीटा वी, ठीक है, अपॉन पहले ये वाली ले लेते हैं, अपॉन के इनवर्स वन। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट को आप एक बड़े कांस्टेंट के से शो कर सकते हो, या के डैश से शो कर सकते हो, के डबल डैश से शो कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, बस इसको मेंशन कर दो कि भैया ये जो के डैश है इट इज़ इक्वल्स टू के वन अपॉन के इनवर्स वन, ये इसके नीचे यहाँ पे इन इक्वेशन सो एंड सो, यहाँ तक समझ आई बच्चों? जब आप ये वाला टर्म यहाँ छोड़ोगे और इस पूरे टर्म को उठा के राइट हैंड साइड लेकर जाओगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन में क्या आ जाएगा, ए विल बी इक्वल टू सी एस थीटा बी, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के इनवर्स टू प्लस का के थ्री और सी एस थीटा ए, यही रह जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है,
फिर से ये टर्म को भूल जाओ, वो कहता है के थ्री बहुत छोटा है तो हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, थीटा बी इज इक्वल्स टू के टू अपॉन के इनवर्स टू बी इंटू थीटा बी। तो जब ये आ गया तो के वन के टू अपॉन के इनवर्स टू जो था, सॉरी के वन अपॉन के इनवर्स वन को आप क्या कर रहे थे, के ले रहे थे या के डैश ले रहे थे, तो इसको आप कुछ और सिंबल दे दो, देना के ही है, आप इसको के स्टार भी दे सकते हो, आप इसको के वन भी दे सकते हो, आप इसको के टू भी दे सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ इससे इसको शो करना चाहते हो। जैसे इसने ये लाइन नीचे लिखी है ना, ऐसे ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। चले आगे। जी मैम। यस सर। किसका बड़ा धीम है, यहाँ तक समझ आ गया, फिर तो हमारा आधा काम हो ही गया, ये दोनों इक्वेशन आएगी। अब वो क्या कहता है, अब वो ये कहेगा कि भाई मेरे पास आर क्या था, मेरे पास आर वॉज इक्वल्स टू के थ्री, ठीक है, थीटा ए थीटा बी, ठीक है, थीटा ए और बी तुमने निकाल ही लिया, इन दोनों को क्या करो, इस इक्वेशन में इंसर्ट कर दो। जब इंसर्ट करोगे आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, या अभी पहले 54 में करवा रहे भाई, कौन सी है 54, ऊपर चलिए गए पीछे चलते हैं, 54 आपकी ये वाली इक्वेशन है, पहले ये वाली है, थीटा वी में इंसर्ट करवा रहे हैं पहले तो वो इसको, तो थीटा वी में जब करवाएगा तो थीटा ए की वैल्यू आ जाएगी, थीटा बी की वैल्यू आ जाएगी, दोनों आ गए, यानी ए और बी ऑक्यूपाइड हो गए, अभी डायरेक्टली रेट नहीं निकाल रहा, अभी भी इसको रेट निकालने में टाइम है। तो ये क्या कहता है कि भाई ये जो मेरे पास थीटा है, यानी एस जो है, यानी नंबर ऑफ साइड्स जो बच रही हैं, वो कितनी बच रही हैं, वो यहाँ से निकालेगा, जब इन दोनों वैल्यूज़ को इंसर्ट करेगा उसके पास क्या आ जाएगा, थीटा वी इज इक्वल्स टू वन माइनस के वन ए थीटा वी और माइनस का के टू बी थीटा वी, दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब जब दोनों वैल्यूज़ इसके पास आ गई तो अब आपको क्या काम करना है, अब आपको ये करना है, इसको करना है रीअरेंज। रीअरेंज कैसे करोगे, रीअरेंज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इधर देखते हैं, इसको मैं नीचे ले जाती हूँ, देखो दिया क्या है उसने, थीटा वी इज इक्वल्स टू वन माइनस के वन ए, ठीक है, और थीटा वी, ठीक है, माइनस का के टू वी थीटा वी, कॉमन क्या ले सकते हो, थीटा वी ले लो, यहाँ से वन छोड़ दो, ठीक है, आपने क्या ले लिया, थीटा वी बाहर ले लिया, माइनस का साइन भी बाहर ले लिया, आपके पास क्या आ जाएगा, के वन ए, ठीक है, माइनस का के टू वी, ठीक है, पहले तो यही ले लेते हैं, यहाँ क्या था, थीटा वी था, ठीक है। अब आप क्या करोगे, क्या किया जा सकता है, इधर ले लो ज़ीरो, ठीक है, इधर आ गया वन, ठीक है, माइनस का ये आ गया आपका थीटा वी, इधर आ गया के वन ए, ठीक है, इधर आ गया के टू बी, ये तो आपके अंदर आ गया, और थीटा वी इधर है तो इसको भी आप ले लो, माइनस का थीटा वी, इधर से घूम के इधर आ जाए, सॉरी कुछ बड़बड़ हो रही है, एक मिनट इस लाइन में ये नहीं आएगा, रुको, इसको ये लेते हैं हम ये प्लस का आएगा, सॉरी माइनस इंटू प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, इसको पहले हम इधर लेते हैं, इधर आ जाते हैं, ये आएगा आपका थीटा वी, ठीक है, माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस का थीटा वी, ठीक है, के वन ए प्लस का के टू बी, ठीक है, फिर आते हैं, फिर थोड़ा सा और ऊपर कर रही हूँ मैं इसको, फिर ये ले लेगा आपका, यहाँ से माइनस साइन इसका हटाओगे तो ये आपका आ जाएगा वन माइनस, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा वन माइनस थीटा वी इज इक्वल्स टू प्लस का थीटा वी इंटू के वन ए प्लस के टू बी। अब आप क्या करो, ये इसको यहाँ पे ले जाओ, वन माइनस थीटा वी अपॉन थीटा वी इज इक्वल्स टू ये आपका के वन ए प्लस का के टू बी। अब आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, बच्चों ये वन
अपॉन थीटा वी, ठीक है, माइनस का वन इज इक्वल्स टू के वन ए प्लस का के टू बी। ये आपकी सिंपल मैथमेटिक्स ही है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। इसको यहीं छोड़ दो, ये साइन इधर ले जाओगे तो आपके पास अब देखो वही वाली इक्वेशन लेकर आ रही है जहाँ से हमने इसको शुरू किया है। मैंने क्या लिया, वन अपॉन थीटा वी यहाँ छोड़ दिया, के वन ए प्लस का के टू बी, ठीक है, ये वन उठा के इधर ले गई, ये आ गया प्लस का, ठीक है, ये पूरा हो गया। अब क्या करो, अब सिर्फ एक चीज़ और करनी है, इसको ले लो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ले लो ऊपर। तो आपके इसमें इक्वेशन में क्या दे रखा है, यही दे रखा है आपका जो थीटा वी है ये ऊपर चला गया और आपके पास आ जाएगा वन अपॉन के वन ए प्लस के टू बी प्लस वन। अभी आपका मैं टैली करा देती हूँ, वहाँ से ऊपर आ जाते हैं एक बार। ये आपकी इक्वेशन क्या है, थीटा वी इक्वल्स टू वन अपॉन के वन ए प्लस के टू बी प्लस वन, यहाँ तक था। अब देखो इसको थीटा ए मिल गया, इसको थीटा बी मिल गया, ठीक है। अब जब इसको थीटा ए और बी मिल गया तो अब इसने क्या किया, जो हमने इक्वेशन लगाई थी ना आर इक्वल्स टू के थ्री थीटा ए थीटा बी, तो अब लेके ये वही आया है, ठीक है, पर ये घुमा फिरा के उसको लेकर आया है। तो इसमें अब इसने क्या किया, थीटा ए की वैल्यू भी लगा दी, थीटा बी की वैल्यू भी लगा दी। तो अब आप ये आपने अभी क्या निकाला है बच्चों, थीटा वी निकाला है, ठीक है। थीटा वी को अब आप क्या करोगे, आपकी इन इक्वेशन में 61 और 62 वाली है, पीछे एक बार फिर देख लेते हैं कौन कौन सी है। आपको ये जो थीटा वी की वैल्यू है, ये थीटा वी आपको यहाँ पर इनपुट करनी है। तो हमारे पास है क्या, ये थीटा ए क्या था, के वन ए और इंटू थीटा वी, तो के वन ए तो यहीं छोड़ दिया, थीटा वी मेरे पास क्या हो जाता है, क्या था वन, ठीक है, अपॉन के वन ए, ठीक है, प्लस के टू बी प्लस का वन। तो वन से तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है, लिखूं ना लिखूं, ऐसे ही थीटा बी भी क्या हो जाएगा, आपका पहली इक्वेशन जो आई रही है के टू इंटू बी, ठीक है, बी में आपको क्या इंसर्ट करना है, ये सारा। बच्चों आवाज़ आ रही है, बस कौन सा आ रहा है, ये वाला और ये वाला आउटपुट आ रहा है। तो मैंने क्या किया था, केवल ए थीटा वी था, थीटा वी की मैंने इंटू वन करके अपॉन में ये वैल्यू ले ली। थीटा बी क्या था मेरे पास, के टू बी इंटू थीटा वी था, थीटा वी में फिर मैंने वैल्यू इंसर्ट करके ये अपॉन में ले ली। अब रह गया रेट, अब जब रेट रह गया है तो थीटा ए और थीटा बी के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, अपनी जो पहली इक्वेशन हमने लगाई थी उस इक्वेशन में इन दोनों को इनपुट कर देना है, ठीक है। जब से आप इनपुट करोगे आपके पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन के आते ही ये क्या काम करेगा, अब ये केस लगाना शुरू कर देगा। तो पहले ही अपना काम थोड़ा सा ईजी कर लेता है, ये कहता है कि भाई ये के कॉन्स्टेंट है, ये के कॉन्स्टेंट है, ये के कॉन्स्टेंट है, तो इन सबको मिला के मैं तो बार बार नहीं लिखूँगा, मैं तो के डैश लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर क्योंकि गैसेस की बात हो रही है तो ए कंसंट्रेशन को क्या ले रहा है, पी ए, बी को क्या ले रहा है, पी बी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जब ए की बात हो रही है, गैसेस फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो इसको भी ले लिया पी ए, इस बी की बात हो रही है तो इसको भी ले लिया पी बी, हो गया सब कुछ। अब क्या करें, अब लगाते हैं केसेस। तो केसेस में क्या होगा, पहला केस क्या कहता है कि भाई आपको सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज़ क्लियर रखना, जब नीचे दो कांस्टेंट होते हैं तो कभी एक को ज़्यादा कहेगा, कभी एक को वीक करेगा। तो उसके ज़्यादा और वीक होने के पीछे सिर्फ आपको ये बताना है कि एड्सॉर्प्शन, डिसऑर्प्शन या डिकम्पोजिशन, इन्हीं तीन स्टेप्स में काम चलेगा। तो ये कहता है कि जब ए और बी दोनों वीकली एड्सॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, एड्सॉर्ब होने के टाइम पे आपके पास क्या हो जाएगा, के वन यानी जो एड्सॉर्प्शन वाला कांस्टेंट था वो भी आपका क्या है, कम है, के टू वो भी कम है, तो रिएक्शन सिर्फ आपके इसके ऊपर डिपेंड करेगी और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका विद रिस्पेक्ट टू ए भी फर्स्ट ऑर्डर है, विद रिस्पेक्ट टू बी भी फर्स्ट ऑर्डर है, पर दोनों के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फिर आता है आपके पास सेकेंड केस, सेकेंड केस लगा देते हैं, यहीं से एक बार देख लेते हैं। अब वो ये कहता है कि अब इन दोनों में कंपैरिजन कर लो,
ए का जो एडसॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो जाता है बी के एडसॉर्प्शन से, तो ए का एडसॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो इसको रहने देंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, के डैश पी ए पी बी अपॉन वन प्लस के वन ए पी ए का होल स्क्वायर, क्योंकि बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही ये इस इक्वेशन को कहता है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट ले रही हूँ यहाँ पे, तो जैसे ही ये इसको ये वाली इक्वेशन दिखेगी वो क्या कहता है केस टू के लिए कि भाई अब जो इसमें क्योंकि के वन ए था वो क्या हुआ, वो मेरे पास ज़्यादा हो गया, के टू पी वो बी जो था वो कम हो गया, तो मैंने इसको हटा दिया। अब इस इक्वेशन को देखते हुए आप क्या बताओगे कि ये जो इक्वेशन है विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है, ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में ही आपकी फर्स्ट ऑर्डर रहेगी जो कि आपका वीकली एड्सॉर्ब कंपोनेंट, ठीक है। अब इसमें देख लो, ध्यान देना यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ए का एड्सॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू बी, तो बी वाला क्या करेगा, बी वाला इस रिएक्शन का कौन सा पार्ट बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। जब लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि बी का एड्सॉर्प्शन है जो वो पूरे के पूरे रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर देगा, ए तो एड्सॉर्ब हो ही रहा है, उसके तो एड्सॉर्प्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो इसको रोकने वाला कम ज़्यादा करने वाला कौन है, बी है। तो आपको विथ रिस्पेक्ट टू बी जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही जब आपके पास क्या हो जाएगा, व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ वेरी स्ट्रांगली एड्सॉर्ब, ठीक है, अब इसने क्या लिया, ए इज़ वेरी स्ट्रांगली एड्सॉर्ब कंपोनेंट, तो के वन पी ए जो है ग्रेटर ग्रेटर देन के टू पी हो जाएगा, ठीक है। पहली बात ये तो हुआ नीचे का कौन सा डिनोमिनेटर, है ना। फिर ये क्या कहता है कि भाई के वन जो पी ए है क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा है, तो वन भी बेचारा क्या करेगा, वो भी निगलेक्ट हो जाएगा। वो ये कह रहा है कि इतना स्ट्रांग है कि इसके सपोज थाउजेंड्स में वैल्यू आ रही है, तो थाउजेंड्स में वैल्यू आने के बाद हम क्या करें, इस वन को भी निगलेक्ट कर देंगे, तो वन को भी निगलेक्ट कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी पी ए पी बी के अपॉन के वन स्क्वायर पी ए स्क्वायर, यानी वन हट गया, ठीक है, और के टू बी, ये पता नहीं थ्री क्यों लिख रही हूँ बार बार, के टू पी बी ये दोनों ही हट गए, ठीक है। अब आपके पास सिंपल कैलकुलेशन है, पी ए स्क्वायर से आप क्या करोगे, एक पी ए काट दोगे, तो क्या रह गया, अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, इसमें क्या रह गया आपके पास, के डैश था, ठीक है, पी ए था पी बी था अपॉन हमने क्या कर दिया के थ्री, ठीक है, और सॉरी के वन स्क्वायर और ये पी ए का स्क्वायर, पी ए के एक स्क्वायर से पी ए कट गया, ठीक है, के वन ही है, ठीक है, और यहाँ पे के है, तो आप इन दोनों को क्या करोगे, इन दोनों को भी आप एक रेशियो में ले लो या एक और नया कांस्टेंट बना लो कि भाई ये हो गया के थ्री ले लो, के फोर ले लो, या जो भी आपको लेना है वो ले लो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, सिर्फ पी बी बचेगा और पी ए बचेगा, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू के थ्री पी बी पी ए, समझ आ रही है बच्चों। इस इक्वेशन को वापस देख लो, मैं आपको वापस ऊपर से बताती हूँ, पहले इक्वेशन यहाँ से करते हैं, इस इक्वेशन को तीसरा वाला जो केस है, देखो तीसरे वाले केस में हम इसको एक बार ले लेते हैं यहाँ पे, इसको नीचे ले जाते हैं, ठीक है, इसी केस को वापस से समझ लो, क्योंकि केस थ्री में ही है, जो भी पंखा आ रहा है वो ये कह रहा है कि भाई आपके पास जो के वन ए है वो क्या है, ग्रेटर 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 देन किसके है, के टू बी के ग्रेटर देन, ठीक है। तो अब मेरे पास जो रेट हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, के थ्री रह गई, के वन इधर आ गया, के टू इधर आ गया, ए इधर आ गया, ठीक है, बी इधर आ गया, और ये मेरे पास क्या हो गई, इसमें से वन हट गया क्योंकि ग्रेटर ग्रेटर देन है, तो ये क्या आ गया आपके पास, के वन स्क्वायर, और ये क्या आ गया, ए स्क्वायर या पी ए स्क्वायर, ठीक है, दोनों में से आप लिख सकते हो, डिपेंड करता है आप कौन सी रिएक्शन लिख रहे हो उसमें। अब आपके पास क्या है कि भाई के वन स्क्वायर था, ए स्क्वायर से एक ए तो ये कट गया, हो गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई आपके पास जो के वन स्क्वायर है, के वन स्क्वायर से के वन भी तो कटा, ठीक है, कट गया।
अब आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, K3 ठीक है, K2 ये PB या जो B है अपॉन K1 PA। तो अब ये सारा मिलके क्या हो जाएगा, ये सारा मिलके एक नया कांस्टेंट आपके डबल डैश के फॉर्म में लिख सकते हो, PB अपॉन PA, या अगर आपको गैस नहीं है तो K डबल डैश ए ये B अपॉन PA।